उपाय लेकर आई हूँ जो हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए कैसे जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। देखो क्या होता है कि हम कॉफ़ी को तो पीने में तो इस्तेमाल करते ही हैं, बट लेकिन कभी कभी क्या होता है जो हमारी आंखों के नीचे सूजन आ जाती है ना, जो पफी आईज जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है जैसे थकान के कारण हो जाता है या कभी बीमारी के कारण हो जाता है, तनाव के कारण होता है, तो उसमें अगर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। कैसे देता है कि इसको कॉफ़ी को पानी में मिलाएं और फिर उसे जो मतलब उसे थोड़ा सा मतलब पानी में मिलाकर उसकी जो क्यूब्स होती है ना, जैसे बर्फ की क्यूब तैयार कहते हैं, उसे फ्रिजर में जमाने के लिए रख दें और फिर उस क्यूब को आँखों के नीचे धीरे धीरे लगाएं, तो हमें बहुत राहत महसूस होगी और धीरे धीरे वो पफिनेस भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से कई बार क्या होते हैं आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, तो उन काले घेरों को भी ठीक करने के लिए हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि कॉफ़ी को क्या होता है कि ये मतलब देखो इसमें स्मेल तो बहुत अच्छी होती है और साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैफीन होता है, तो इसको हम थोड़ा सा पानी में मिला करके और जो स्किन के नीचे जैसे जो काले घेरे होते हैं ना उसमें हम लगा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जो काली स्किन होती है ना वो साफ़ हो जाती है। इसमें चाहो तो आप शहद भी मिला सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या है स्क्रब भी तैयार कर सकते हैं पूरे फेस के लिए। जैसे पूरे फेस में कैसे हमने क्या करा, इससे जो होती है हमारे को शहद मिलाएं और शहद मिला करके उसमें ऑलिव ऑयल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, तो एक स्क्रब तैयार हो जाता है कॉफ़ी का और फिर पूरे फेस पे उसका इस्तेमाल करें तो उससे उस हमारी स्किन को एनर्जी भी मिलती है और स्किन साफ भी होती है। इसी तरीके से हमारी जो कई बार स्किन है ना ऑयली हो जाती है और ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, तो उस समय भी अगर हम कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, क्योंकि ब्लैक हेड्स मोस्टली कहाँ बनते हैं, नाक पे बनते हैं और माथे पे बनते हैं। तो उसमें क्या होता है हमारे को अगर हम ब्लैक हेड्स को कम करना है तो हम इसे कॉफ़ी को जो होता है इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका मतलब जैसे हमारे को ना पोल्यूशन से भी हमारा स्किन जो है वो बचती है। इसी तरीके से हमारी जैसे कई बार स्किन में ना स्मेल आती है, तो स्मेल को भी छुटकारा दिलाने में कॉफ़ी जो है ना बहुत अहम भूमिका निभाती है। जैसे पसीना आता है ना तो उसमें क्या होता है हम ठंडे पानी से उसे साफ़ करें उस जगह को और फिर उसमें कॉफ़ी को लगा दो थोड़ी देर के लिए और फिर उसमें उसे रगड़ करके थोड़े थोड़े मतलब जैसे हफ्ते में एक दो बार इसका इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे क्या होते हैं उस जगह से फिर स्मेल आनी ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही कई बार हमारे जब पैर थके हुए होते हैं ना तो थके हुए पैरों को अगर हमें आराम देना है तो भी हमारे को जो होता है ना कॉफ़ी जो होता है हम एक टब में कॉफ़ी डाल करके अपने पैरों को हल्का गुनगुना पानी ले लें और पैरों को भिगो के बैठ जाएं तो वो आपके क्या होता है पैरों का स्क्रब का काम भी करेगी और जो पैरों की स्मेल होती है, गंदगी होती है, उसको भी साफ़ करती है और हमारे जो होते हैं ना पैर मतलब जो थकान होती है पैरों की वो भी दूर हो जाती है। उसमें आप चाहो तो जैसे थोड़ा लेवेंडर ऑयल डाल सकते हैं या पुदीना डाल सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा के ऊपर है, वो आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। इसी तरीके से हमारे जैसे बाल होते हैं ना उसमें बालों में क्या होता है डेड सेल बन जाते हैं। अब डेड सेलों की वजह से क्या होता है, डेड सेल की वजह से मतलब उसमें हमारे को डैंड्रफ की शिकायत होती है, तो उसमें उस डेड सेल को ख़त्म करने के लिए हम कॉफ़ी का पाउडर लेकर के अगर उससे मसाज करते हैं ना हम धीरे धीरे अपने बालों की, तो वो धीरे धीरे उसको जो वो सेल होते हैं ना जो डेड सेल उसको ख़त्म कर देते हैं। अब इसमें मतलब वो धीरे धीरे हमारे जब स्किन हमारी साफ़ हो जाएगी तो डैंड्रफ की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और बाल भी हमारे हेल्दी रहेंगे ना। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं जैसे बॉडी का ब्लड फ्लो भी बढ़ाती है ये। ब्लड फ्लो जैसे कैसे, अब इसमें कैफीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है जब हम इससे मसाज करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है जैसे साथियों जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, जो सन की जो रेज होती हैं उससे क्या होता है उससे भी हमारे को प्रोटेक्ट करती है। जैसे वो हमारी जो तेज़ रेज होती है ना वो हमारी स्किन को नुकसान करती हैं। अब कॉफ़ी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है तो अगर हम इसको अपनी स्किन पे लगाते हैं तो वो रिंकल से भी बचाती है, इसके अलावा जो सन डैमेज होने से भी हमारे को स्किन को जो है रिपेयर करती है। तो अगर हम उसमें स्किन के लिए यूज़ करते समय कॉफ़ी में एक चम्मच शहद मिला करके और उसको हल्के हाथ से मसाज करके और फिर 15-20 मिनट छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से उसे वॉश कर लें, तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ये हमारी स्किन को चमकदार भी बनाता है और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। तो साथियों कॉफ़ी जो होती है हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करिए। मेरा
चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा बस। धन्यवाद साथी।